नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे चांद पर, हिंद की चांदी की। इसरो गदगद है, देश गौरवान्वित है, दुनिया चकित है, क्योंकि कदम अब जमीन पर नहीं बल्कि चांद पर है। चांद न सिर्फ मुट्ठी में है बल्कि आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं का सपना साकार होता नजर आ रहा है। लैंडर विक्रम से उतरा रोवर प्रज्ञान चांद की सतह से अद्भुत जानकारियां वैज्ञानिकों के साथ साझा कर रहा है। ऐसी जानकारियां जो भविष्य की उम्मीदों को पंख देती हैं, जो मानव विकास के दिशा में बड़ी उपलब्धि हैं और विज्ञान के लिए अब तक बंद रहे शोध के दरवाजों को खोलती भी हैं। रोवर प्रज्ञान ने अब तक चांद पर किन धातुओं की खोज की, इस खोज से भविष्य की कैसी झलक मिलती है, दिखाते हैं आपको चांद पर हिंद की चांदी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चांद पर पेश कीमती खजाना, प्रज्ञान ने चांद से संदेश भेजा। सात दिन में चांद के आठ रहस्य खुले, सतह पर खनिज ही खनिज मिले। पर खोज बाकी, धरती से करीब 4.25 लाख किलोमीटर दूर चांद अब रहस्य नहीं रह गया है। चांद से जुड़ी पुख्ता जानकारी अब सामने आने लगी है। लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर उतरे हुए 7 दिन हुए। इन 7 दिनों में जो जानकारी रोवर प्रज्ञान ने इसरो हेडक्वार्टर को भेजी है, उससे इसरो के वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ने वाला है। बुधवार को इसरो ने एक्स पर जानकारी दी कि रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर उतरे लैंडर विक्रम की तस्वीरें भेजी। तस्वीरें रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे से ली गई थी। 28 अगस्त की रात रोवर प्रज्ञान ने दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा। इसके मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी है। चंद्रमा की सरफेस पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का पता चला है। इसके अलावा चांद के मिट्टी पर मैग्नी, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। रोवर पे 2 पेलोड है, एक एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ और दूसरा लेजर इंड्यूस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो लिब्स करके जो लियोस लेबोरेटरी है हमारी बेंगलोर में, उसके द्वारा बनाया गया। तो उसके जो इनिशियल फाइंडिंग्स बाहर आए हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन्स, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहाँ की जमीन कैसी है। तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो साउथ पोल पे जो भी जमीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी। अब तक कुल 9 एलिमेंट चांद के मिट्टी में मिले। हालांकि चांद की सतह पर हाइड्रोजन की मौजूदगी है या नहीं इसकी खोज अभी जारी है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पेलोड से मुमकिन हुई। हालांकि चांद पर मिली मिट्टी में ऑक्सीजन उस फॉर्म में मौजूद नहीं है कि सीधी सांस ली जा सके, ये ऑक्साइड फॉर्म में मौजूद है। इससे पहले नासा ने भी चंद्रमा पर ऑक्सीजन को खोज निकाला था, लिहाजा इसरो को उम्मीद थी कि चंद्रमा पर उसे ऑक्सीजन जरूर मिलेगी। चांद पर रोवर प्रज्ञान ने साउथ पोल की मिट्टी की स्टडी करने के बाद खनिजों का पता लगाया। इस प्रक्रिया में सैंपल सरफेस यानी चांद की मिट्टी या
पत्थर पर हाई फोकस लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस के गर्म होने से प्लाज्मा बनता है। इसी से बने स्पेक्ट्रम की स्टडी कर एलिमेंट का पता लगाया जाता है। अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। जिन खनिजों का पता चला है वो बेशकीमती हैं। अगर इंसान चांद पर रसायनों और खनिजों को मनमाफिक बदलने के यंत्र ले जाए तो बहुत सारी चीजें चांद पर ही बनाई जा सकती हैं। अगर इंसान चांद पर रसायनों और खनिजों को मनमाफिक बदलने के यंत्र ले जाए तो बहुत सारी चीजें चांद पर ही बना सकता है। तो पहले ये जान लीजिए कि चांद पर आखिर हमें क्या क्या मिला है। पहला धातु है सल्फर। जी हाँ, चांद पर सल्फर मिलने की पुष्टि हुई है। सल्फर हल्के पीले रंग का रसायन है। सल्फर की मदद से एसिड फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है। कार बैटरी तेल रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर के साथ चांद की सतह पर एल्यूमिनियम भी मिला है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट की मदद से कांच बनता है। इसके अलावा सिरेमिक पल्प या पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट, वार्निश और धातु की प्लेट जैसी चीजें भी बनाई जाती हैं। चांद पर कैल्शियम भी मौजूद है और कैल्शियम का इस्तेमाल कई मेडिकल प्रोडक्ट्स में संभव है। कैल्शियम कार्बोनेट से मोर्टार बनाया जा सकता है। कैल्शियम की कांच बनाने में मदद ली जा सकती है। दवा, पेपर ब्लीच, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और साबुन भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा टाइटेनियम भी प्राप्त हुआ है। टाइटेनियम जान लीजिए सबसे मजबूत और हल्के वजन की धातु है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर प्लेटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नौसैनिक जहाजों को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एरोस्पेस, मेडिकल, केमिकल, मिलिट्री सामान में भी इसका इस्तेमाल बखूबी होता है। चांद पर ऑक्सीजन मिल गया है, हाइड्रोजन की खोज जारी है। ये दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं, यानी चांद पर इंसानों के बस्ती बसाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये रोवर में दो इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट चांद का सतह पर क्या क्या एलिमेंट्स है, पदार्थ है, उसको खोज करेगा। उस खोज में ये तैयार किया है, उधर सल्फर है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, आयन है। बट ये गलत नहीं समझना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में, फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है आयन के साथ जोड़ के आयन ऑक्साइड हो सकता है, नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। इससे मतलब नहीं है, अलग से ऑक्सीजन है, किसी चीज के साथ साथ वो जोड़ के मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है। बट क्या क्या एलिमेंट्स है उधर, वो खोजना, वो किस तरीके से एलिमेंट्स है वो खोजना, इसका एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव था। अगर हाइड्रोजन अलग फॉर्म में नहीं भी मिलता है तो पानी को तोड़कर हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। लेकिन चांद पर पानी का मिलना क्यों अहम है वो समझिए। पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चांद पर फ्यूल ले सकेंगे। पानी चांद पर खेती करने में मददगार साबित हो सकता है। जैसे पहले ही माना जा रहा था कि चांद पर कई सारे बेशकीमती खनिज हो सकते हैं, वो उम्मीद इसरो की पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो संदेश रोवर ने भेजे वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। चंद्रयान एक ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है और ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण, और जिन मिनरों का जानकारी उसने दी है उन मिनरों से, उन खनिज पदार्थों से ये पता लगता है कि धरती के जो पदार्थ हैं उनसे मिलते जुलते हैं और किस रूप में हैं, ऑक्साइड्स में हैं या और किसी उसमें है, ये और गहन जांच के बाद पता लगेगा। चांद पर बनेगा स्पेस स्टेशन। चांद पर खोज और फिर वहां इंसान के पहुंचने के पीछे एक और वजह चांद को स्पेस स्टेशन के तौर पर विकसित करना है। दरअसल मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता चांद से होकर जाएगा। धरती से कम दूरी होने की वजह से चांद पर मिशन लॉन्च करना और संपर्क बनाए रखना दूसरे ग्रहों के मुकाबले ज्यादा आसान है। इससे हम ये नहीं कह सकते हैं दैट चांद में जीव है, बिकॉज एनी हाउ पूरा ब्रह्मांड में ये एलिमेंट्स मिलेगा, पूरा ब्रह्मांड में ये एलिमेंट्स के साथ ही होगा। बट इस रोवर का, ये खोज का मुख्यत्व क्या है ये हम समझने के लिए हम पीछे थोड़ा जाना है। हमारा चंद्रयान 1 देन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, देन अमेरिकन का काफी लूनर सैटेलाइट्स, वो रिमोट सेंसिंग से चांद का सतह पर ये है, इधर इधर ये चीज है करके वो एक अंदाजा लगाया रिमोट सेंसिंग से। बट वो लगभग 100 किलोमीटर दूर से रिमोट सेंसिंग ने किया है।
उसको हम कितना दूर विश्वास कर सकता है, उसके लिए आपका कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए ना। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो भविष्य में चांद का इस्तेमाल एक स्पेस स्टेशन के तौर पर किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की दूरी तय करना आसान हो जाएगा। लेकिन चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग भी आसान नहीं रही थी। आखिरी 15 मिनट बेहद रोमांचक रहे थे और इसरो ने 4 फेज में लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। उन चंद मिनटों को याद कीजिए जब चांद से लैंडर की दूरी पल भर की थी। इन चंद मिनटों ने देश ही नहीं विश्व की धड़कनें बढ़ा दी थीं। लैंडर लैंडिंग साइट से महज 750 किलोमीटर दूर था। चांद की सतह से ऊंचाई इस दौरान थी 30 किलोमीटर। लैंडर ने 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सफर तय किया। लैंडर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 7.4 किलोमीटर पर लाया गया। फिर आया ऑल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। फेज को 10 सेकंड का किया गया था। इस दौरान लैंडर 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर पर आया। इसके बाद आया फाइन ब्रेकिंग फेज। फेज 175 सेकंड्स तक चला। लैंडर की स्पीड शून्य हो गई। उसके बाद विक्रम की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल कर दी गई। अब सतह से लैंडर की ऊंचाई करीब 1 किलोमीटर रह गई। इसके बाद का फेज था टर्मिनल डिसेंट फेज। लैंडर को 150 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया और फिर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करवाया गया। लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड हुआ था, जिसे अभी चांद पर उतरे 7 दिन हुए। 7 दिन का वक्त अभी बाकी है। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि अगले 7 दिन में कई और रहस्य से पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24। जिस दिन भारत ने चांद पर झंडा गाड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के अगले मिशन की घोषणा कर दी और यह अगला मिशन था आदित्य L1, यानी चांद के बाद अब सूरज की स्टडी। लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर दूर रहकर पृथ्वी पर जब सूरज आग बरसा देता है तो जरा सोचिए फिर ऐसे ग्रह पर किसी खोज को अंजाम देना मुमकिन कैसे है। दरअसल L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट 1, जो सूरज और धरती के बीच ऐसे बिंदु पर है जहां की धरती पर जो धरती की ग्रेविटी है वहां पर खत्म हो जाती है और सूरज की ग्रेविटी का असर वहां से शुरू हो जाता है। अभी तक इस पॉइंट पर दुनिया का कोई देश अपना उपग्रह नहीं भेज सका है। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो विज्ञान की दुनिया में भारत के लिए ये एक और चमत्कार होगा। और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि चांद के साउथ पोल के सतह पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बना। लेकिन अब बारी मिशन सूर्य की है, जिसकी तैयारी इसरो के वैज्ञानिक करीब करीब पूरी। सूरज के रहस्यों को उजागर करने के लिए अब इसरो तैयार है। इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। लॉन्च के रिहर्सल और रॉकेट के इंटरनल जांच पूरी हो चुकी है और लॉन्च की तारीख भी फाइनल है, 2 सितंबर 2023 सुबह 11:50 श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट। इसरो 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ये भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी लगे तो उसे नुकसान न पहुंचे। L1 लग्रांजियन 1 पॉइंट जो है ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे वो आदित्य L1 का जो सोलर टेलीस्कोप है वो उस पॉइंट पे लग जाने से हमेशा वो सूरज को देखता रहेगा। कोई
ग्रहण नहीं होगी। और क्योंकि जो L1 पॉइंट है उसकी खासियत ये है कि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी है सन का और अर्थ का, अर्थ इस तरफ खींच रही है और सन उल्टी दिशा में खींच रही है, उस पॉइंट में ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को लेंगे तो एक उस पॉइंट में नेट फोर्स जो है जीरो है। आदित्य L1 मिशन कैसे पूरा होगा, सूरज से उपग्रह को कितना दूर रखा जाएगा, आपको सब बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि इस मिशन का मकसद क्या है। दरअसल सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी की स्टडी की जाएगी, सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास किया जाएगा, सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी होगी, सौर तूफानों की वजह और धरती पर असर की भी इसके माध्यम से स्टडी हो पाएगी। भारत अगर इस मिशन में कामयाब होता है तो भारत एक बार फिर इतिहास रच देगा, क्योंकि भारत दुनिया का पहला देश बनेगा जो लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। वो सन के हैलो पे रहेगा, सन के एकदम नजदीक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां पे जो है तापमान इतनी ज्यादा है कि कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो तो खराब हो जाएगा। तो लेकिन ये करीब हमारे धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पे L1 पॉइंट है और वहीं से वो सूरज का अध्ययन करेगा आदित्य L1। आखिर लैग्रेंज पॉइंट क्या है, इसे समझिए। दरअसल सूरज से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। का वहां जाना मुमकिन नहीं है। धरती पर इंसानों की बनाई गई कोई ऐसी चीज नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके, इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से एक निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। भारत का आदित्य L1 कुल 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तब भी सूरज से 14.85 करोड़ किलोमीटर दूर होगा, लेकिन 15 लाख किलोमीटर की दूरी चांद के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या है, अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच की पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। वीडियो देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जो सन का जो मेन डिस्क है या सोलर डिस्क है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके हम वहाँ से होने वाले प्लाज्मा इजेक्शंस को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इन प्लाज्मा इजेक्शंस को कोरोनल मास इजेक्शन बोला जाता है और ये आप देख रहे हैं किस रूप से चारों तरफ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कोरोनल मास इजेक्शंस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के स्थिति को जो कि बार बार बनती है सन के ऊपर, इसको आदित्य L1 विल ऑब्जर्व इन ग्रेट डिटेल एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा टू द वर्ल्ड कम्युनिटी। सो वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज पर होने वाले प्लाज्मा विस्फोट और गैस क्लाउड्स की वजह से सौर आंधियां आती हैं, जिन्हें जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहा जाता है। इनका सीधा असर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित उपग्रहों पर पड़ता है, इससे दुनिया भर का कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित होता है। चार फरवरी 2022 को सौर आंधी की वजह से एक निजी कंपनी के 38 स्टारलिंक उपग्रह पूरी तरह तबाह हो गए थे। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक सूरज पर धमाके होते रहते हैं और ये ऊर्जा सौर लपटों के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है, लेकिन वायुमंडल की वजह से इसका असर पृथ्वी पर नहीं पड़ता। ऐसा माना जाता है कि सूरज पर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूरज के सतह पर धब्बे हैं। ऐसा इसलिए कि सूरज के सतह पर धब्बे चांद की तरह स्थायी नहीं होते बल्कि बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन अब भारत का आदित्य L1 मिशन सूरज के इन्हीं धब्बों का रहस्य भी उजागर करेगा। इसरो की तरफ से तैयारी पूरी है, जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा
और देश दुनिया इस ऐतिहासिक पल को लाइव देख सकेगी, ठीक चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की तरह। कुल मिलाकर अब दुनिया अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का दम देख रही है और इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, इसलिए अब चांद के बाद सूरज के रहस्य खोलने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।